Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो बरे आज़म अफ्रीका में बसे हुए एक खूबसूरत और इस्लामी मुल्क के बारे में है। ये मुल्क कुदरती हुस्न से माला माल है। आ जाता है इस मुल्क में इतना हुस्न है कि अगर कोई बीमार शख्स भी इसे देखता है तो वो ठीक हो जाता है। इस मुल्क में लोग प्यार की अलामत दिल को नहीं बल्कि किसी और चीज को मानते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां की लड़कियां इस कदर हसीनो जमील हैं कि देखने वाले अपनी नजरें हटाना ही भूल जाते हैं। इस मुल्क के दिलचस्प और हैरत अंगेज हकाइक के साथ साथ इस मुल्क में जाने के लिए कुल खर्चा और वीजे की तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में मौजूद हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुमाली अफ्रीका में बसा हुआ एक इंतहाई खूबसूरत इस्लामी मुल्क जिसका नाम किंगडम ऑफ मोरक्को है, जिसे हम मराकश के नाम से भी जानते हैं। मोरक्को का कुल रकबा 4,46,550 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया में 57वें नंबर पर मौजूद है। मोरक्को की कुल आबादी 3,70,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से दुनिया में 40वें नंबर पर मौजूद है। मोरक्को का बॉर्डर अलजजायर, सहारा डेजर्ट और एटलांटिक ओशन से मिलता है। मोरक्को में 64% लोग शहरों जबकि 36% लोग देहातों में बसते हैं। मोरक्को की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक और बर्बर है। मोरक्को में 99% लोग मुसलमान जबकि 1% दीगर मजाहिब को मानने वाले बसते हैं। मोरक्को के दारुल हुकूमत का नाम रबात है, जो कि सबसे खूबसूरत शहर भी है। मोरक्को का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कैसाब्लांका है। इस शहर की कुल आबादी 40,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। मोरक्को 7 अप्रैल 1956 को स्पेन से आजाद हुआ था और आज मोरक्को अफ्रीका की 5वीं बड़ी मईशत है। मोरक्को की GDP 120.98 अरब डॉलर है। यहाँ पर फी कस आमदनी $3,400 है। इस मुल्क में यूरोपियन और अरेबियन दोनों कल्चर मौजूद है। यहाँ के लोगों को काफी मॉडर्न माना जाता है। इस मुल्क की लड़कियाँ बेहद हसीन होती हैं, जो कि देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती हैं। यहाँ पर बर्बर कबीले की लड़कियाँ तो बाकी तमाम तर लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत और हसीन होती हैं और यहाँ का लिबास इन्हें मजीद हसीन बना देता है कि देखने वाला पहली ही नजर में इन पर अपना दिल हार बैठता है। मोरक्को की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर प्यार की अलामत दिल को नहीं बल्कि जिगर को माना जाता है। मोरक्को में आइनी मलूकियत हकूमत है। मराकश के लोगों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लोग बाएं हाथ से कोई भी काम करना बहुत बुरा समझते हैं और इसी वजह से इस मुल्क में कोई भी ना तो बाएं हाथ से कुछ लेता है और ना ही कुछ देता है। इसके अलावा सहारा डेजर्ट का ज्यादातर रकबा भी मोरक्को में ही शामिल है, जहां पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट हर साल यहां पर आते हैं। मोरक्को में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जिसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरी तरह से नीले रंग का है। यहाँ पर दीवार, खिड़कियाँ, दरवाजे सब कुछ ही नीले रंग का होता है और शाम के वक्त यहाँ का नजारा देखने वाला होता है। मोरक्को में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला मशरूब ग्रीन टी है, जिसे लोग मोरक्कन विस्की के नाम से भी जानते हैं। मोरक्को में लोग खेतीबाड़ी से बहुत मोहब्बत करते हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी की जाती है और मोरक्को की मईशत का बड़ा हिस्सा ज़राअत पर मुनहसर है। जबकि 60,00,000 मोरक्कन लोग यूरोप में बसते हैं, जिनमें से 12,00,000 अफराद सिर्फ फ्रांस में रहते हैं। पूरी दुनिया में आर्गन ऑयल भी सिर्फ और सिर्फ मोरक्को ही एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा मोरक्को की खजूरें भी पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती हैं। इसके साथ साथ मोरक्को कोयले और विंड टरबाइन से अपनी बिजली पैदा करता है।
क्योंकि मोरक्को भी उन ममालिक में शामिल है जो अपनी बिजली दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करते हैं। मोरक्को की तहजीब, कल्चर और रिवायात को देखकर हर कोई यहां का दिलदादा हो जाता है। मोरक्को के लोग खेलों में भी बहुत दिलचस्पी रखते हैं और फुटबॉल के तो लोग यहाँ पर दीवाने हैं और फुटबॉल यहाँ का कौमी खेल भी है। यहाँ पर आपको हर कोई फुटबॉल खेलता हुआ नजर आएगा। मराकश में सबसे ज्यादा अरब कल्चर देखने को मिलता है और यहाँ पर शादियाँ भी अरब कल्चर के मुताबिक ही की जाती हैं। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी मोरक्को में ही मौजूद है जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ अल करावेन है जो कि 859 ईस्वी से आज तक फंक्शनल है। मोरक्को के पास खूबसूरती के खजाने मौजूद हैं। यहाँ पर बुलंदो बाला चोटियाँ, पहाड़, नदियाँ और यहाँ के सरसब्ज मैदान सब कुछ देखने को मिल जाता है। मोरक्को टेक्नोलॉजी के लिहाज से भले ही दूसरे ममालिक से पीछे हो मगर यहाँ पर मोबाइल फोन्स बड़ी तादाद में लोगों के पास मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर 4 करोड़ मोबाइल फोन्स इस्तेमाल में हैं। मराकश वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 और इंडिया से 4.5 घंटे पीछे है। मराकश में ड्राइविंग दाएं हाथ की जानिब की जाती है। मराकश में बहुत सी ऐसी जगह मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए हर साल 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। अगर आप भी मोरक्को की सैर को जाना चाहते हैं या किसी भी किस्म का वहां जाकर एडवेंचर करना चाहते हैं तो आप यहां की ब्लू सिटी में जा सकते हैं और यहीं पर आपको यहां की नाइट लाइफ के मजे भी मिल सकते हैं। अगर आप पुरानी तहजीब या आर्किटेक्चर और इमारतों को देखना चाहते हैं तो आप यहां की फैस सिटी में जा सकते हैं क्योंकि इस शहर में देखने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ मोरक्को घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास असीला सिटी से बेहतर कोई और जगह नहीं है। यहाँ की खूबसूरती आपके टूर को यादगार बना देगी और इस जगह पर मौजूद नीली दीवारों वाले किले को प्यार करने वालों की जन्नत माना जाता है। इसके अलावा ये शहर सी फूड के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा अगर आप डेजर्ट की सैर करना चाहते हैं तो आप मोरक्को के कैपिटल यानी रबात सिटी जा सकते हैं। यहाँ पर जाकर आपका वापस आने को दिल नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पर पहाड़ भी मौजूद हैं, जो कि ट्रैकिंग के लिए जाने जाते हैं। मोरक्को की करेंसी को मोरक्कन दिरहम कहा जाता है। एक मोरक्को दिरहम पाकिस्तानी 14 रुपए के बराबर है जबकि इंडिया के 8 रुपए के बराबर है। अगर आप मोरक्को में घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं तो आपका 7 दिनों का कुल खर्चा 1 लाख रुपए तक होता है। मोरक्को का टूरिस्ट वीजा हासिल करने के लिए आपके पास 6 माह की मियाद तक का पासपोर्ट, 2 तस्वीर, रिटर्न टिकट, कंफर्म होटल बुकिंग, CNIC, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस और एक एप्लीकेशन लेटर के साथ आप मोरक्कन की एम्बेसी में वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मोरक्को? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।